लॉन्ग मार्च का वक्त करीब, कप्तान आज पेशावर जाएंगे, पार्टी क्यादत और तंजीमी अहदेदारों से मिलेंगे। इंटरव्यूज में कहा लॉन्ग मार्च के हवाले से मामलात को खुफिया रखूंगा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी लाइन को ट्रैप किया गया, ये बातें हमारे दुश्मन के पास जा सकती हैं। इसहाक डार डरपोक है, गारंटी मिलने पर वापस आया, इसहाक डार ने मईशत को तबाह कर दिया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान सुरखरू, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस खारिज करते हुए शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। पांचों जजेस ने इमरान खान के जवाब पर एतमाद का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने रिमार्क दिए, इमरान खान ज़ेबा चौधरी की अदालत गए जिसे हम सराहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा आप तहरीरी दलाइल दे दें, हम फैसले में लिख देंगे। मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की राह हमवार हो गई, पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज पासपोर्ट मिलते ही रवा माह लंदन रवाना हो जाएंगे। फवाद चौधरी का मरियम पर दिलचस्प तबसरा, कहा मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया, वो लंदन जाएंगी, एमिन फील्ड में क्याम करेंगी, बाहर आकर कहेंगी मेरा इन फ्लैटों से कोई ताल्लुक नहीं। शाह महमूद कुरैशी बोले NRO 2 के हुसूल का सफर जारी है, तमाम इशारे नवाज शरीफ की सजा और नाअहली खत्म करने की तरफ है। आइन से सादिक और अमीन की शिक खत्म कराने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश, हुकूमत की बिल में Article 62F को खत्म करने की इस्तदा। तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इसी कानून के तहत नाअहल हुए थे। ख्वाहिश को खबर बनाया, जब सहाफत का रंग मिलाया, आवाम को गुमराह किया, जंग और जियो ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से मंसूब जाली खबर शाया की, डिस्ट्रिक्ट बार का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत, मन घड़त खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा, खबर इमरान खान की जज से मुआफ़ी मांगने से इनकार के उनवान से शाया की गई। रेलवे इंतजामिया का 5 ट्रेनों की सर्विस जारी रखने का फैसला, खैबर मेल, रहमान बाबा, कराची एक्सप्रेस, कराकरम, पाक बिजनेस की बुकिंग जारी है और 5 अक्टूबर से कराकरम, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस ट्रैक पर दौड़ेगी, नजरसानी नोटिस आज जारी किया जाएगा। बोल की बंदिश के पीछे कौन, नयातल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया, जुबानिया का मात पर बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया, कई मौके पर बोल टीवी की बंदिश के जमानी अहकाम दिए गए। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करने के जमानी अहकाम दिए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉक है कि स्लाइड भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का जुबानी हुक्म दिया गया, हुक्म न मानने पर संगीन नतज की धमकियाँ दी गई। नाटल के इल्जाम पर पैमरा ने मौकफ भी नहीं दिया। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद गेम शोज, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए सिर्फ बोल पर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे, बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।